हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बुलेटिन का आगाज होगा इस अहम खबर के साथ। खुर्शीद शाह वजीर आला शहबाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर बरस पड़े। ऑपोजिशन लीडर ने कहा शहबाज शरीफ नाकाम, वजीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियां बजवाना बेशर्मी की बात है। शहबाज शरीफ को अखलाकियात का कुछ पता नहीं, वो मदारी हैं सियासतदान नहीं। तालियां बजवाकर जैनब के वालिदैन के जख्मों पर नमक छिड़का गया। पंजाब में अमनो अमान की सूरत हाल भी बाकी सूबों से अबतर है। खुर्शीद शाह ने असेंबली में खिताब के दौरान ये तमाम बातें की। पंजाब में अमनो अमान की सूरत हाल को भी उन्होंने गैर तसल्ली बख्श करार दिया और कहा कि बाकी सूबों से अबतर है। शहबाज शरीफ नाकाम वजीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियां बजवाना बेशर्मी की बात है। हमें डूबना आता है, शर्म आती है कि इस किस्म के वाकयात हो और हम अपनी तालियां बजवाते रहे। पाकिस्तान के इंसानों की बात कर, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूं मैं, किसी पे इल्जाम तराशे नहीं लगा रहा हूं। जिन जिनके पास बच्चियां हैं वो अपने दिल पे हाथ रखे ये कहें कि अगर उनका कातिल मिल जाए इस किस्म का तो हम लोगों को खड़े होकर तालियां बजाने की बात करें और मुबारक लेने की बात करें। जिसने भी कल टीवी देखा होगा उसका शर्म से सर झुक चुका होगा। हर बच्चे जिसके पास बच्चे हैं, जिनके पास बच्चियां हैं, उनके दिल आजारी हुई है और चीफ मिनिस्टर ने की है और उसको माफी मांगनी चाहिए कौम से। आज अहम खबर से